जेंटलमैन खेल से एक और खिलवाड़। स्पॉट फिक्सिंग के बाद अब विकेट फिक्सिंग। श्रीलंका में विकेट फिक्सिंग की साजिश पकड़ी गई। साजिश में साबिक भारतीय फर्स्ट क्लास क्रिकेटर रॉबिन मॉरिस और गॉल स्टेडियम का असिस्टेंट मैनेजर फिरंगा इंदिका मुलविस। फौज के असद दुरानी की खिताब पर तहफ्फुज़ात। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का बड़ा फैसला। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड असद दुरानी 28 मई को GHQ तलब। DGISPR का कहना है असद दुरानी को अपनी पोजीशन वाज़े और किए गए दावे की वजाहत करना होगी। सीनियर सहाफी नसीम जहरा की किताब फ्रॉम कारगिल टू कू शाया हो गई। इस्लामाबाद में तकरीबन रनमाई में सियासी शख्सियात समेत सफारतकारों और साबिक फौजी अफसरों की शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म आज शुजाबाद और मिठनकोट का दौरा करेंगे। सक्खर मुल्तान मोटरवे के मुल्तान शुजाबाद सेक्शन का इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म आज दरियाए सिंध पर शहीद बेनजीर भुट्टो पुल का भी इफ्तिताह करेंगे। तर्जमान के इलेक्ट्रिक का कहना है ज्यादा से ज्यादा रिलीफ दे रहे हैं। कराची वालों के लिए खुशखबरी, आज मौसम खुशगवार रहेगा। दिन भर ठंडी हवाएं चलेंगी। ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान। 12 रमजान मुबारक की दोपहर सूरज ऐन काबा शरीफ के ऊपर होगा। माहिरीन का कहना है ज़माने कदीम में भी इसी तरीके के इस्तेमाल से काबा की सिमत का तायुन किया जाता था। मकबूजा कश्मीर में मोदी हुकूमत के मुजालिम जारी। भारतीय फौज की कंट्रोल लाइन के करीबी इलाके में सर्च ऑपरेशन। फायरिंग से मजीद 5 कश्मीरी शहीद। समुद्री तूफान मेकोनो यमनी जजीरे में तबाही मचाने के बाद सल्तनत ओमान से टकरा गया। 12 साल बच्ची हलाक, 3 अफराद जख्मी। तूफान से जनूबी सूबे जफार के दर्जनों इलाके मुतासर हुए। कौमी विमेन क्रिकेट टीम एशिया कप में शिरकत के लिए लाहौर के अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मलेशिया रवाना। कौमी विमेन क्रिकेट टीम कप्तान बिस्मा मारूफ की क्यादत में रवाना हुई।